इधर अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां अजित पवार ने कहा है कि चुनाव के बाद ही सीएम कौन होगा इस पर मंथन किया जाएगा। देखिए अजित पवार का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद तय होगा सीएम का नाम। तो फिलहाल देखिए अमित शाह ने सीएम के लिए किया था फडणवीस का जिक्र, और क्या एक सहमति नहीं है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अजित पवार के बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव के बाद तय होगा सीएम का नाम, महायुति में क्या अब विरोध के स्वर से माना जाए, क्योंकि बात महायुति की कर लें, महाविकास अघाड़ी की कर लें, सीएम का ऐसा नाम हो गया है जिस पर किसी का भी एक अधिकार नहीं, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं चुनाव के बाद ही नाम तय होगा। तो फिलहाल इसे सुबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा है कि भीतर खाने में क्या सब कुछ सही है। फिलहाल महायुति में विरोध के स्वर क्या मुखर है, ठिकाणी केला पाहिजे। जरी काही नेते मंडळी येऊन त्यांनी काही सांगितलं की बाबा आता मला कोण आज पत्रकार म्हणत होते अहो तिकडं अमित शाह आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की उद्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना करायचं आहे, ठीक आहे, त्यांना तो अधिकार आहे सांगण्याचा। शेवटी निवडणूक झाल्यानंतर सगळे विधायक एकत्र येतील, एकत्र बसतील, समन्वयाने त्या ठिकाणी चर्चा करतील। ह्याच्यातनं कुणी कुणाला वाईट वाटून देऊ नका किंवा त्यांनी त्याच्यामध्ये गैरसमज देखील करून घेऊ नका, अशा प्रकारची सूचना मला त्या सर्वांना ह्या निमित्तानं करायची। अजूनही काही काही वेगवेगळ्या पद्धतीची चर्चा हे निश्चितपणे होणार आहे, हे पण मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे। त्याचं कारण त्यांना आता कुठलाच मुद्दा राहिला नाही। आता मी तर सगळीकडे सांगणार की तुम्ही 3 लाख कोटी